श्री विष्णु पुराण 19वां अध्याय प्रह्लाद प्रत भगवत गुण वर्णन और प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने कृतया को भी विफल हुई सुनकर अपने पुत्र प्रह्लाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे प्रह्लाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जनित हैं या स्वाभाविक ही हैं? श्री पराशर जी बोलती हैं, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रह्लाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिस के हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण ना रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता हूँ या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। श्री पराशर जी कहते हैं, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्य राज ने यह सुनकर क्रोधांध होकर अपने दैत्य अनुचरों से कहा, हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्यों और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रह्लाद जी के गिरते समय उन्हें जगभ्रातृ माता पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया है। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंभ्रासुर से कहा, हिरण्यकशिपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसीलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंभ्रासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों माया दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंभ्रासुर ने समदर्शी प्रह्लाद जी के लिए उनके नाश की बहुत सी इच्छाएं मायाएं सी रची, किंतु हे मैत्रेय, शंभ्रासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेष हीन रहकर प्रह्लाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंभ्रासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कहकर उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जानकर दैत्य कुमार प्रह्लाद जी ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण माया के क्षीण हो जाने पर महामती प्रह्लाद जी अपने गुरु के घर चले गए।
तदंतर गुरुजी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वत जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ अर्थात दोनों पक्षों के हित चिंतक हो उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, अमात्यों, बाहरी और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकितों, जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो, तथा अन्य नए जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक अर्थात जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। यह सब तथा और भी जो कुछ तुमने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्य राज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम, दान तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें। मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते और हे महाबाहु, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद ने भला शत्रु मित्र की बात ही कहा है। श्री भगवान विष्णु तो आपने मुझमें और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहा है। इसीलिए हे तात, अविद्या जन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्य की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञान वश खगोल को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनित्यों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसीलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप, ये सभी भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं।
श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भी प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वो भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी कहते हैं, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत शोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देखकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्गति को इस समुद्र के ही भीतर किसी और से खुला न रखकर सब और से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथापि न यह मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्टचित है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अब यह पर्वतों से लगा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उनके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपीलिका अर्थात चींटी सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही विदुक्त प्रवर्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भुक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझने तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्ति हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान धरते हैं और याज्ञिकगण आप ही का यजन करते हैं, तथा पुत्रगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्या और कव्या के भुक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। इससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। इससे भी सूक्ष्म यह भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उनमें भी जो अंतर आत्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है।
उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्या परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्र पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम, तुम भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त अर्थात असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्माओं को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हूँ, जिनमें यह संपूर्ण विश्व पौत पौत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हूँ। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसीलिए यह संपूर्ण जगत बुद्ध से ही हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूँ और बुद्ध सनातन में ही यह सब स्थित है, मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संगत परम पुरुष हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।